हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्रदर, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो राधिका को पता चला है कि समर की मम्मी वापस आ गई है गांव से, तो वो गई है समर के घर में उसकी मम्मी से मिलने और बोल रही है कि मुझे अपने आपके बेटे से डिवोर्स दिलाओ। तो यहाँ पे समर की मम्मी डिवोर्स नहीं दिलाना चाहती है राधिका को, और वो बल्कि उल्टा राधिका के ऊपर ब्लेम कर रही है कि तुम जब इस घर में रहती थी तो ऐसा कैसे हो गया। समर और गुनगुन के बीच में तुम बीवी होके तुम क्या कर रही थी, मैं तुम लोग के बीच में तो थी नहीं, मैं तो उस घर में थी नहीं, मैं तो गांव में जाके बैठी हुई थी, तो तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया। अरे वाह आंटी जी वाह, सलूट, दोबारा सलूट मेरी तरफ से आपको। आप गांव में बैठो या कहीं भी बैठो, आप अपने बेटे को एक बार भी सवाल की कि ये जो बच्चा है, ये गुनगुन का जो, ये इसका बाप तो तुम हो, इसके पिता तो तुम हो, डीएनए रिपोर्ट में 80% तो तुम्हारा निकला है, तो अभी आप समर को और गुनगुन को घर से क्यों नहीं निकाल रहे हो। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना पहले कि समर और गुनगुन को घर से निकाल दोगे अगर आपको पता चला ये बच्चा समर का है, तो अब तो आपको पता चल गया है ना ये बच्चा किसका है, तो आप अपने बेटे के पक्ष में क्यों हो, आप अपने बेटे को अंधा प्यार क्यों कर रहे हो। आप कैसी गंधारी बने हुए हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। गंधारी बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका बेटा तो अजीबो गरीब है, बहुत ही अजीबो गरीब है। आपके बेटे को सुधारने की आप कोशिश भी करोगे तो नहीं सुधर सकता, बहुत लेट हो गया है। आप उसको नहीं सवाल करके आप राधिका को सवाल कर रहे हो, राधिका के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो और उसे बोल रहे हो कि तुम्हारे पापा पैसा मांग रहे हैं, पैसा जो खर्चा किए हैं, ठीक है मैं पैसा दे दूंगी। और हमें पता है आप बहुत पैसे वाले हो, आप पैसा दे दोगे, पैसे की कोई कमी नहीं है आपको। पर आप जो इतना अंधा विश्वास, अंधा प्यार जो समर को कर रहे हो, आप एक बार भी राधिका से तो आप नहीं वो किए। आप जितना सवाल आप राधिका को कर रहे हो, आप एक बार भी समर से सवाल किए कि समर ऐसा कैसे कर दिया, आपने नहीं किया। आप खाली ब्लेम करना जानते हो दूसरों को, दूसरे के बच्चे के ऊपर आप सब थोपना जानते हो, ब्लेम करना जानते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। और अभी आप सोच रहे हो कि गुनगुन, अभी आप सोच रहे हो कि राधिका गुनगुन के बच्चे आने तक का वेट करे, 9 महीना वेट करे तब डिवोर्स दे समर को। इसलिए आप बोल रहे हो इतनी हड़बड़ी मत मचाओ, इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी डिवोर्स मत दो, अभी रुक जाओ, अभी सोचो समझो। वाह आंटी जी वाह, आपका ये दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सोचूं आप समर की माँ आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि समर का तो प्लानिंग में दिमाग अच्छा चलता है, आपका भी बहुत अच्छा दिमाग है। बस फ्रेंड्स, देखने वालों को तो पता चल ही रहा है कि समर के साथ साथ समर की मम्मी कितनी बड़ी साजिश वाली है, तो ये तो हमें सबको पता चल जा रहा है। धीरे धीरे इनका सारा पोल पट्टी खुल रहा है हमारे सामने। तो जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।